हेलो हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज आपको क्लास टेंथ का जो है कुछ आइडेंटिटीज प्रूफ करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, तो बेसिक वाला जो मैंने आपको बताया था वो तो आपको ध्यान हो गई। एक बार क्वेश्चन में लगा दिया, उसके बाद दोबारा लास्ट में भी बताऊंगी, तो पूरा वीडियो वॉच आउट कीजिएगा। तो जैसे देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो सिंपल सा देखिए, कोसेक को हम 1/sin लिखते हैं और कॉट को हम कॉस अपॉन साइन लिखते हैं और होल स्क्वायर एज इट इज लगाएंगे ब्रैकेट में। यहाँ देखिए आप 1 cos θ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, जो बेसिक आइडेंटिटीज मैंने कल आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं 1 cos²θ, और आप इसे ब्रेक कर सकते हो a-b और a+b से। यहाँ पे लिख सकते हो 1 cos θ और ये हो जाएगा 1 cos θ। जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। फाइनली यू हैव गॉट 1 cos θ अपॉन 1 cos θ, विच इज योर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 sin²θ अपॉन 2 cos³θ माइनस कॉस थीटा। तो हम सिंपल सा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 sin³θ लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा है 2 cos³θ माइनस कॉस थीटा। सिंपल सा आप क्या करोगे, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में 1 - 2 sin²θ दिखेगा और यहां से आप कॉस थीटा कॉमन ले लो। ये एक्सप्रेशन में जो कॉमन दिख रहा था, तो मैथ्स का सिंपल सा रूल है, कॉमन ले लेते हैं cos²θ - 1। अब यहाँ देखिए, नीचे कॉस है ऊपर साइन है। अगर आप टेंथ में नहीं होते तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसे लिखेंगे 1 cos²θ अपॉन वाला टर्म एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 2 cos²θ - 1। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा ऐसे रखिए, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं माइनस, ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos²θ रहेगा, और अपॉन वाला जो टर्म है उसे कॉपी करेंगे, कॉस थीटा होगा, ये 2 cos²θ - 1। इस टर्म को अगर आप सही करके लिखोगे, मीन्स इन द सेंस पहले 2 cos²θ लिख लो और फिर माइनस 2 + 1 करोगे माइनस 1 आएगा, अपॉन में आपके पास कॉस थीटा है और ये है 2 cos²θ - 1। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस को आप 10 लिख सकते हो, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो देखिए, यहाँ पर एक्सप्रेशंस बहुत सिंपल हैं, फिर से बोल रही हूँ, वीडियो के लास्ट तक वॉच आउट कीजिएगा, मैं आपको वो ट्रिक्स भी बताऊंगी जिनसे हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको लिखा है कॉस 1 + sin a और ये 1 + sin a अपॉन कॉस है। तो सिंपल देखिए, कोई भी ट्रिक ना लगा के सिंपल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। पहले एक बार क्वेश्चन कॉपी करिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया 1 + sin a अपॉन कॉस है, और उसके बाद में यहाँ पर एलसीएम ले रही हूँ, तो एलसीएम में आपके पास आएगा 1 + sin a और ये रहेगा कॉस से। तो देखिए, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, यू हैव गॉट कॉस स्क्वायर है और ये वाला ब्रैकेट 1 + sin a होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा आप इसे ओपन करोगे, होगा कॉस स्क्वायर है, यहाँ a² + b² + 2ab लिखेंगे और अपॉन में आपके पास है 1 + sin a, ब्रैकेट में है कॉस ए। सिंपल सा देखिए, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है को 1 लिख सकते हैं, तो 1 + 1 2 sin a। एक स्टेप बढ़ा दिया है हमने, क्योंकि जिससे कि आपको वो चीज क्लैरिफाई हो जाए, और यहाँ पे आप एक बार इंडिकेट कर सकते हो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए, ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा 1 + sin a और अपॉन में आपके पास 1 + sin a और कॉस ए है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 एज इट इज रखेंगे, 1 upon cos को सेक लिखते हैं, विच इज योर राइट हैंड साइड। वीडियो के लास्ट में जरूर वॉच आउट कीजिएगा, वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। फिर से हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोसेक माइनस साइन ए है और अनदर ब्रैकेट में हमारे पास सेक ए माइनस कॉस ए है। कोसेक को आप लिख सकते हो 1 upon sin और यहाँ पे साइन ए एज इट इज, ये वाला टर्म हो जाएगा आपका 1 upon cos और यहाँ कॉस ए एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद एलसीएम लीजिए, हो जाएगा 1 - sin² अपॉन साइन ए, ये टर्म हो जाएगा आपका 1 - cos² अपॉन कॉस ए। तो देखिए, इस वाले टर्म को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है और अपॉन में साइन ए कॉस ए। जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, इससे ये और इससे ये, फाइनली यू हैव गॉट साइन ए कॉस ए। तो देखिए, ये एक्सप्रेशन जो आया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं,
वैसे तो इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है, लेकिन आपको बता रही हूँ अगर कभी भी आपका सॉल्व होके जो एक्सप्रेशन आए वो राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए तो आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लो। ये 10 ए अपॉन कॉट ए है, सिंपल आप यहाँ पे इस टर्म को लिख सकते हो 10 ए और कॉट को आप लिख लो 1 अपॉन 10 ए। तो जब आप ये लिखोगे तो देखिए 10 तो ऊपर आ जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए 10 को आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन अपॉन कॉस में, और जो 10 स्क्वायर ए से हम sec स्क्वायर ए लिखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में जब आप लिखोगे तो साइन ए या कॉस स्क्वायर ए ऊपर आएगा अपॉन में कॉस ए। सिंपल आप इससे कैंसिल करोगे यानी फाइनली यू हैव गॉट साइन ए कॉस ए विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से देखिए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसी में देखिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया है 1 प्लस sec a अपॉन sec a और इक्वल टू ये लाना है। तो सिंपल सा देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस sec a है और अपॉन में आपका क्या है sec a। मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको 1 अपॉन cos में कन्वर्ट किया और ये वाला टर्म भी 1 अपॉन cos हो जाएगा। सिंपल आप LCM लोगे ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन cos a, और इस वाले टर्म को भी आप 1 अपॉन cos a लिख सकते हो कैंसिल, यानी फाइनली यू हैव गॉट 1 प्लस cos a। फिर से देखिए आप वो वाला साइड भी ला सकते हो। तो देखिए मैं कन्वर्ट करना ही बता दे रही हूँ, कॉस ए दे रखा है, सिंपल आपने 1 माइनस cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो देखिए जब आप ऊपर डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म तो साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 माइनस cos a हो जाएगा। इसका एक दूसरा वे भी बता रही हूँ कि अगर आप राइट हैंड साइड ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos a, तो सिंपल साइन को मैंने आपको बताया था 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखते हैं, इस स्टेप में आप क्या करते हैं इसको 1 माइनस cos a लिखते हैं और ये वाला टर्म हो जाता है 1 प्लस cos a, और अपॉन में आपके पास 1 माइनस cos a तो था ही, ये कैंसिल हो जाता। तो ये देखिए ये टर्म जो यहाँ पर आया वही यहाँ क्रिएट हो गया। तो अगर आप चाहते तो इस फॉर्मेट में भी यहाँ सॉल्व कर सकते थे। सीखा देखिए एक और पार्ट, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है कि किसे कैसे भी करके स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, और स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या होता है कोई टर्म स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में एक ही तरीका होता है कि जो भी दिया उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो यहाँ देखिए 1 माइनस sin a का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 प्लस sin a होगा, तो ऊपर वाला टर्म आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म को 1 माइनस sin स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ये टर्म हो जाएगा आपका 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, अपॉन वाले टर्म को आप कॉस स्क्वायर ही लिखोगे। इसको अगर हम रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस sin a आ जाएगा और ये कॉस से आ जाएगा। इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कॉस से, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस से। इस टर्म को आप लिख सकते हो sec a और साइन अपॉन कॉस को आप लिख सकते हो 10, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनमें से जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, एक छोटा क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ दिया है साइन ए कोसेक के होल स्क्वायर कॉस ए sec a होल स्क्वायर, आपको इसमें इस फॉर्मेट में लाना है। सिंपल देखो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो इसके फॉर्मेट है उनको, जो इसके होल स्क्वायर दे रखे हैं उन फॉर्मेट को सॉल्व करना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसको ऑन सॉल्व करते हो तो देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, दिस इज योर कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 sin a cosec a, एंड दिस इज योर कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिख सकते हो 2 cos a sec a। सिंपल सा देखो साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए का सम 1 होता है। यहाँ जहाँ कोसेक स्क्वायर ए लिखा है उसे आप 1 प्लस cot a स्क्वायर ए लिख दो, तो ऐसे लिखेंगे साइन ऐसे ही कोसेक को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 अपॉन sin में, sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखेंगे, और ये वाला टर्म हो जाएगा आपका 2 cos a, और cos को sec को लिख देंगे 1 अपॉन cos। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 2 2 और 2 कितना होगा 4 4 प्लस 1 5 5 और 2 7, तो आपके पास आएगा 7, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a और cot स्क्वायर a। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है वो एक बार देख लीजिए। कॉन्सेप्ट में हमने एक तो टर्म यूज किया है कि कहीं भी अगर cosec थीटा होगा तो हम उसे 1 अपॉन sin थीटा लिखेंगे, कहीं भी अगर आपके पास sec थीटा लिखा होगा तो आप उसे 1 अपॉन cos थीटा लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम कब, tan स्क्वायर ए हम तब लिखेंगे जब cosec, सॉरी जब हमारे पास sec स्क्वायर ए होगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिखेंगे जब हमारे पास cosec स्क्वायर ए होगा, और 1 प्लस sin थीटा कॉन्जुगेट ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस sin थीटा तो आप सिंपल 1 माइनस sin थीटा लिखोगे, और 1 प्लस साइन और 1
माइनस साइन का मल्टीप्लाई आप एज यूजुअल हमेशा लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो आइडेंटिटी यहाँ यूज हुई है वो ये है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यानी इस चैप्टर को अगर आपको समझना है या इन क्वेश्चनों को समझना है तो आपको केवल इतना बेसिक आना चाहिए। तो इस टाइप के और वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं किया है। बाकी वीडियोज को पूरा पूरा वॉच आउट कीजिए, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ उनकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है और आपका हमने बहुत कम टाइम लेकर आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।